अक्षय पुण्य देने वाली शक्ति अमोघ देती।
मिलती जाए बड़ी अलौकिक सिद्धि देती। राजा जैसा ताज पहनाए कंकर जैसी कीमत जिनकी। हीरे का दे मोल दिलाए महागौरी की बात निराली। जिसने लीना प्रेम।
अपनी नजर बचाए, सच्चे भक्त की साथी माता। पल पल देती साथ निभाए, सच्ची जोता वाली माता। सच का सौदा रही कराए, माँ तो सब कुछ जानन हारी। चाहे कितना लियो छुपाए, सच्चे भक्त के काज सवारी। झूठे की ना बिगड़ी बनाए, महागौरी का नाम सुखदाई। या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए मैया महागौरी की। भक्तों, नवरात्र में माँ के अष्टम स्वरूप महागौरी का पूजन नवरात्रों के आठवें दिवस किया जाता है। माता महागौरी की पूजा अर्चना से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। भक्तों, इनकी पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता ने महातपस्या करके गौरवर्ण को प्राप्त किया था, इसीलिए इनको महागौरी कहते हैं। माता के चार हाथ हैं भक्तों। इनमें दाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में मैया त्रिशूल धारण किए हुए है, और नीचे वाला बाएं तरफ का हाथ अभय मुद्रा में है, जिससे माँ अपने भक्तों को अभय प्रदान करती है। माँ के अन्य हाथ में डमरू है। माँ का वाहन बैल है। भक्तों, अष्टम रूप धरी कल्याणी। देवी देवता ले रहना, महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। ओ श्वेत वस्त्र और वृष है वाहन, मैया है साधन। भक्ति भाव से लेना नाम, महागौरी माँ तुम्हें प्रणाम। भक्तों, मैया पार्वती ने ब्रह्मचारिणी बन भगवान शिव जी को पाने के लिए हजारों वर्षों तक घनघोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए थे और माता को वरदान देने को कहा था। माता रानी ने वरदान में उन्हें ही मांग लिया था भक्तों। परंतु माता कई हजार साल तक वनों में भूखी प्यासी रहकर भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। इस हेतु उनका शरीर दुर्बल और रंग काला पड़ गया था। तब भगवान शंकर ने अपने कमंडल में गंगा का आह्वान किया और उसमें मैया गौरा को स्नान करवाया, जिस
जिससे मैया का रंग फिर गौर हो गया और तभी से भगवान शिव ने उन्हें महागौरी के नाम से संबोधित किया था। ओ तप कर काया क्षीण बनाई शिव जी के तप ध्यान लगाई नहलाए गौर वर्ण मैया का बनाए भक्तजनों। माता महागौरी की वेद पुराणों के अनुसार एक दूजी पावन कथा और वो कथा इस प्रकार से है भक्तों कि माता रानी जब वनों में भगवान शंकर को प्राप्त करने हेतु घनघोर तपस्या कर रही थी तभी एक सिंह वहां आ पहुंचा था। भक्तों वो सिंह भूखा था परंतु माता को तपस्या करता देख उसने सोचा माँ कितने दिनों तक तपस्या कर पाएगी, एक ना एक दिन तो अवश्य जागेगी ही, तब मैया को मैं अपना भोजन बना लूंगा। और सिंह भी वहीं माता के बगल में बैठ गया और माता की तपस्या खत्म होने की प्रतीक्षा करने लगा। परंतु भक्तों माता ने तो हजारों वर्ष तक तपस्या की और उधर वो सिंह भी हजारों वर्ष तक मैया को खाने की प्रतीक्षा करता रहा। माँ का तप जब पूर्ण हुआ उन्होंने नेत्र खोले तो सिंह को दुर्बल अवस्था में अपने सन्मुख पाया। माँ को उस पर दया आ गई। भक्तों माँ ने उसे अभय दान देते हुए उसे अपनी सवारी बना लिया। खाने आया मैया को तप में लीन थपाया वाहन माँ ने बनाया भक्तजनों। नव दुर्गा नव रूप के अष्टम पावन स्वरूप महागौरी की पूजन विधि क्या है आइए जान लीजिए। सबसे पहले चौकी पर माता महागौरी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गंगा जल से मूर्ति का शुद्धिकरण करना चाहिए। चौकी पर चांदी तांबे या मिट्टी के घड़े में जल भरकर उस पर नारियल रखकर कलश स्थापित करें। भक्तों उसी चौकी पर श्री गणेश जी वरुण नवग्रह षोडश मातृका सप्तघृत मातृका की बिंदी लगाएं और उनकी भी स्थापना करें। इसके पश्चात व्रत पूजन का संकल्प लें और वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा माता महागौरी सहित समस्त स्थापित देवताओं को पूजन अर्चन करें। इसमें आवाहन
आसन पाद्य अर्घ्य आचमन इत्यादि कर माता को अक्षत चंदन रोली हल्दी सिंदूर दुर्वा बिल्व पत्र आभूषण पुष्पहार इत्यादि अर्पित करें। तत्पश्चात आरती चालीसा गाकर माँ को भोग समर्पित करें। ओ चौकी पर मैया को बिठाओ, कलश को फिर स्थापित करवाओ। मातृका पान सुपारी पूजन है माँ का सुखकारी। नव दुर्गा नव रूप भवानी का अष्टम पावन रूप महागौरी अत्यंत कल्याणकारी है, भक्तों को भव सागर से पार लगाने वाली है। जिस तरह माता ने घनघोर तप कर भगवान शिव को प्राप्त किया, मेरी भी माँ के चरणों में प्रार्थना है कि आपकी भी यदि कोई मनोकामनाएं हो तो माता उन्हें पूर्ण करेगी। अष्टम दिन नवरात्रों के मैया का विशेष पूजन आवाहन करने से जीवन में समस्त सुख मिलते हैं तथा जीवन के अंत में मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चे हृदय से अष्टमी के रोज माता महागौरी का पूजन किया जाता है। तो आइए एक बार फिर मेरे साथ सच्चे भाव और सच्ची श्रद्धा से बोलिए, बोलिए मैया महागौरी की। मन से ध्याओ मैया की कृपा तुम पाओ। चंदन का इन्हें तिलक लगाओ।